कोटड़ा पंचायत समिति सभागार में पुलिस अधीक्षक राजीव प्रचार ने ली बैठक, जिसमें विधायक बाबूलाल खराड़ी, उपखंड अधिकारी साधुराम जाट, पुलिस उप अधीक्षक भूपेंद्र सिंह, प्रधान सुगना देवी सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, समाजसेवी, थाना अधिकारी, बेकरिया के शंकरलाल राव, कोटड़ा के राम सिंह, चुंडावत मांडवा के मान सिंह व पानरवा के सज्जन सिंह उपस्थित रहे। अपराध की रोकथाम के लिए प्रयास, सड़क दुर्घटना रोकने व वाहनों की तेज गति पर लगाम लगाने व साथ ही क्षेत्र में मोताना जैसे मुद्दे पर चर्चा की गई। यहां क्षेत्र में लाइसेंस नहीं होने के कारण क्षेत्र में इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलना भी सामने आया, जिस पर ग्रामीणों ने शिविर लगाकर लाइसेंस बनवाने की बात कही। शराब की वजह से दुर्घटना व बाल तस्करी रोकने के भी सुझाव आए। थानों में स्टाफ की कमी, चौकी पर भी स्टाफ नहीं होने से क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे, इस बात की जानकारी प्रधान सुगना देवी ने दी। महिला पुलिस की नहीं होने से महिलाओं को काफ़ी हद तक परेशानी रहती है। महिलाओं द्वारा अपनी बात नहीं कहने पर भी परेशानियां बढ़ती है। सरकारी व गैर सरकारी ज़मीन को लेकर आपसी विवाद के मामले, वैक्सीनेशन से मौत की अभी तक नहीं हुई पुष्टि, लोगों में भयभीत होने की जरूरत नहीं, वैक्सीन करवाने की ज़रूरत पर भी उपखंड अधिकारी ने सबको संबोधित करते हुए जानकारी दी। साथ ही तीसरी लहर की चुनौती को देखते हुए सभी को वैक्सीन करवाकर अपने घर व परिवार को सुरक्षित रखने का भी आह्वान किया। झोला साहब चिकित्सकों पर क्षेत्र में जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने झोला साहब चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही क्षेत्र में जीप व बस यातायात साधनों में भी सोशल डिस्टेंस का पालन करवाने की मांग की गई। दूसरी लहर में इतने मजबूती से खड़ा है, उसका कारण पता आप लोगों को?
तो ये हमारा प्रयास है। अभी कुछ बातें निकल रही थी, कुछ लोगों का यही सवाल है कि मास्टर साहब हम जाएंगे टीका लगवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौत हो जाएगी तो फिर वो सीधा सवाल वही आ रहा है, मौत ना हो घूम फिरा कर सर ये हम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। देखो आपके मर्जी की बात है, हम आपको एक ये रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं बता सकते मौत हो जाएगा ऐसा कोई है नहीं मौत होने का कारण, लेकिन बाई चांस कोई ऐसा हो नहीं हो, लेकिन कहीं ऐसा हो गया माता मर जाए पर मेरे घर वाला मुंह तो ना नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो हर काम में आ रही है। इसी वजह से काफी गाँव में तीन लोग से काम कर ही रहे हैं, लेकिन इस वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए थोड़ा कुछ प्रयास जो करेंगे तो इस तरह का दो सुझाव है, जीप ड्राइवर और दुकान जो व्यापारी है उसे लगता है तो काफी मदद थोड़ा मिलेगा इस तरह का। दूसरा एक बात मुझे ये जोड़नी थी कि अभी इसके साथ ने भी बताया अभी जो करंट में जो ये बारिश आ गया काफी मौत है, अभी लड़ाइया शुरू हो गई, एक दो तो मौत भी हो गई है, तो क्यों नहीं इस तरह के हर ग्राम पंचायत में जो इस तरह के वहाँ पटवारी के पास की साथ है वो ज्यादा पटवारी की एक ज्यादा जी मैंने जो एप्लीकेशन की है तो मैं बुलाऊंगा तो पटवारी आ जाएगा, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच भी उनके साथ होना चाहिए, उस वार्ड का वार्ड मेंबर भी साथ में होना चाहिए ताकि उस मौत भी लोग साथ में हो तो ताकि उस जमीन का कुछ निस्तारण कर सकें, ताकि वास्तविक किसकी है जमीन, तो वो एक कमेटी जैसा थोड़ा गठित हो तो उसको मिल बैठ के उसकी राय मशवरा करके भाई वास्तविक है उनकी जमीन है तो ये आप इनके ऊपर इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, तो ये काफी इस तरह के अभी मेरे सामने भी बताया ये काफी इस तरह के लड़ाई झगड़े बढ़ते इसमें ये कुछ सुझाव जैसा है तो हो सकता है बाल सर के अपने आदमी।